कृषक समावेश ओ बिहन मेला उद्घाटित कोरापुटे उद्घाटित है जिलास्तर बिहन मेला। यह मेला शहश चाषी जोगदे सहित पारंपरिक बिहन चाष कर किपर लाभवान हो पारे से नहीं चाषी मानू धारणा दी जाता। कोरापुट स्थित निशाणी मुंडाठार दुईदिनिया जिलास्तर कृषक समावेश और बिहन मेला उद्घाटित होती। निशामी मुंडाठार पूजा अर्चना कर कृषक समावेश और बिहन मेला को उद्घाटन कर मेलें कोरापुट विधायक रघुराम पड़ाल पटांगी विधायक प्रीतम पाढ़ी पूर्वतन बिहन निगम तथा केसीसी बैंक सभापति ईश्वर चंद्र पाणिग्राही समेत कोरापुट और अन्यान्य जिलूर 2000 ऊर्ध चाषी उपस्थित रही। प्रतिवर्ष प्रगति यही जिलास्तर मेला आयोजन कै देशी बिहन संरक्षण पर सचेतना सृष्टि करने बिहन प्रचार प्रसार करने चाषी मान मधे सामाजिक संपर्क सृष्टि करने और विभिन्न संस्था सरकारी विभाग सह चाषी मान जोजोग कर मेलार मुख्य उद्देश्य। यह मेलें कोरापुट तथा ओडिशार विभिन्न जिला और अन्यान्य राज्यर चाषी मैंने जोगदान कर कृषि सम्बन्धी ज्ञान कौशल आदान प्रदान करने देशी बिहन और कृषि उत्पादन प्रदर्शनी और विहन अबल बदल करती। कार्यक्रम में लोक प्रतिनिधि कृषि वैज्ञानिक गवेषक विहन संरक्षक सरकारी विभाग कर्मकर्ता स्वेच्छासेवी अनुष्ठान कृषक संगठन सदस्य मैंने जोगदान कर चाषी मान समस्या विषय आलोचना करते। यह अवसर चारिगोटी विषय वस्तु उपरे आलोचना जाएगी। जलवायु परिवर्तन मुकाबला और फसल उत्पादन सुरक्षा पर विहन व्यवस्था युवपीढ़ी कृषि सुजोग और समस्या महिला सशक्तिकरण और लघु उद्योग कृषक उत्पादन कंपानी जरिया क्षुद्र और नाममात्र चाषी को उन्नति करने नहीं आलोचना होती। प्रत्येक वर्ष प्रकृति प्रेमी और परिवेश सुरक्षा पर कार्यरत थिबा व्यक्ति विशेष को यह सम्मान प्रदान करा जाउछि। विभिन्न जिलूर देशी बिहन आनी आसीथिबा चाषी मैंने से मानक पारंपरिक बिहन विषय बुझाऊ। मेला को आसीथिबा चाषी मैंने विभिन्न स्टल रे रहीथिबा पारंपरिक देशी बिहन बुली देखिबा सहित निजे किपरी देशी बिहन और पारंपरिक पद्धति चाष कर लाभवान हो पारे से नहीं उत्साह सहकारे स्टल बुली देखते। स्टल रही देशी तांगों को पारंपरिक चाष विषय जानापर चाषी मैंने पारंपरिक पद्धति देशी बिहन व्यवहार कर चाष करने आग्रह प्रकाश कर। मैं रंजीता, मैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से हूँ और ये प्रगति सीड मेला में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो इतने सारे फार्मर्स हैं जो अपना इंडिजिनस सीड जो कंजर्व कर रहे हैं वो सब देख के और उनके पास जितना नॉलेज है और वो नेचुरल फार्मिंग के तरफ जा रहे मतलब कैसे कर रहे हैं साइंटिस्ट है हम लोग बहुत कुछ सीखना है यहाँ से। और जैसे मैं बोल रही थी कि अच्छा साइंस वो होता है जो मॉडर्न साइंस और इंडिजिनस नॉलेज को एक साथ मिला के सबके डेवलपमेंट के लिए जो यूज़ कर सके। थैंक यू। आजकल का जो फार्मर्स वो पेस्टिसाइड का जो ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए जो भी जितना मात्रा में यूज़ करना चाहिए वो सही होता है, अच्छे साइंटिफिक एडवाइस पे करना चाहिए, जो जितना चाहे ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बोल यूज़ करना चाहिए। और आजकल क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे उसकी वजह से पेस्ट और डिसीज़ भी बढ़ रहे हैं, और लेकिन अच्छे अच्छे तरीके भी हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, और अगर वो करेंगे और अच्छे वैरायटीज़ जो होते हैं ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के अलावा पेस्ट और डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ भी होते हैं उनके लिए कम पेस्टिसाइड यूज़ करना होता है यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी अच्छे टेक्नोलॉजीज़ है उनको यूज़ करके और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो नॉन केमिकल मेथड्स होते हैं उसको भी इंटीग्रेट करके कर सकते हैं तो फूड भी हेल्दी होगा, सबका हेल्थ भी ठीक रहेगा। थैंक यू। प्रगति एनजीओ आनुकूल्य कृषक समावेश एवं बिहन मेला जो कार्यक्रम होती ये दीर्घ 2013 मसीहा ठार आज पर्यंत प्रति वर्ष कार्यक्रम जारी रही पारंपरिक चाष एवं जहाँ आम पुरातन बिहन गुड़िक किपर भाव गच्छित रखा एवं चाष जमी को ठीक रूपे जैविक पद्धति कार्यक्रम कले जमीर मान ठीक एवं उचित मूल्य पाइबा सहित आम जमी को सुरक्षित रखिपर एवं देश में बसवास कर आमर जो उत्पादन जहाज अन्य माने ग्रहण कर निश्चित भाव सुरक्षित रहा। कोरापुट अनिता दासों रिपोर्ट नुमानी टीवी।